जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो डियर व्यूवर, आज इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा अटेंडेंस रजिस्टर बनाना, बहुत आसान और इजी। आप इसको आसानी से डिज़ाइन करके प्रिंट यूज़ और कर सकते हैं। लाइक प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर फ्रॉम सपोर्ट माय चैनल जावेद वज़ीर टेक। सब्सक्राइब एंड शेयर कर ले प्लीज़। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑनलाइन रजिस्टर्स और स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर्स और क्लास अटेंडेंस रजिस्टर्स, डेली अटेंडेंस शीट एक्स इन एक्सल, अटेंडेंस रजिस्टर सिस्टम, स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर, ये इंशाल्लाह मैं कंप्लीट करके अगले वीडियो में आपको। और आज इस वीडियो में स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर सबसे पहले हम सेटिंग करेंगे। लेआउट में जाकर यहाँ पर हम मार्जिन में जाएंगे, नॉर्मल कर लेंगे, यहाँ पर हम लैंडस्केप कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर साइज हम लीगल कर देंगे, ठीक है, लीगल लीगल पे क्लिक किया, यहाँ पर हम सब कुछ साइज सेट कर लें। पहले पेज की सेटिंग करेंगे, उसके बाद हम इसको यहाँ से सेव कर लेंगे ब्राउज़र में जाकर, किसी भी फोल्डर में, डी में या डाउनलोड में, डेस्कटॉप पे, किसी भी फोल्डर के नाम दे दें। स्टूडेंट रजिस्टर के नाम से हमने इसको सेव किया, ठीक है, स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर के नाम से इसको हमने सेव किया। और उसके बाद डाउनलोड में बस सेव पे क्लिक कर लेंगे, ये हमारे पास सेव हो गया, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर, ये लिखेंगे। यहाँ पर क्लास, यहाँ पर इंसर्ट पे जाएंगे, शेप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पर लाइन कंट्रोल यू से भी कर सकते हैं हम, लेकिन या शेप के ज़रिए से हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रा किया, बहुत इनके दरमियान स्पेस देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम टैब प्रेस कर लेंगे, ठीक है, कीबोर्ड से टैब, ठीक है, टैब प्रेस करके यहाँ पर हम लिखेंगे डेट, ठीक है। इंसर्ट पे जाएंगे, ठीक है, इंसर्ट पे क्लिक कर लें, शेप, शेप में भी लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लाइन को कलर ब्लैक देंगे, ठीक है, इंटर करेंगे, इंटर इंटर, यहाँ पे लिखे टेक्नोलॉजी, यहाँ पे भी लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक है। इस लाइन को हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से कीबोर्ड से हम या शॉर्टकट से हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल डी भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और यहाँ से कंट्रोल सी, कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, कि हमने इसको लाइन को कॉपी करके यहाँ पे रख दिया, ठीक है। टैप टैप यहाँ पे इसके सामने, यहाँ पे लेंगे मंथ, सेमी कॉलम डालेंगे, फिर उसके बाद इस लाइन को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर इसके सामने रख देंगे, ठीक है।
भी सेमी कॉलम। यह थोड़ा पेज की सेटिंग कर लेंगे और या फिर अब टेबल पे इंसर्ट टेबल या पे नंबर ऑफ कॉलम कितने कॉलम हमें चाहिए 37। सैंतीस कॉलम और रो यहाँ पे जूम कम कर लेंगे। यहाँ पे इसको सेंटर पे कर लेंगे, इसकी साइज थोड़ा कर लेंगे ठीक है। स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर को यहाँ से स्टाइल देंगे ठीक है। ये स्टाइल हमने बोल्ड कर लेंगे ठीक है। यहाँ पे इसके साथ थोड़ा ये कर लेंगे। इस लाइन को थोड़ा आगे टेप प्रेस कर लेंगे। फिर इस लाइन को यहाँ से यहाँ पे टेप ठीक है। यहाँ पे कैपिटल के सेंटेंस जाएंगे सब। इस लाइन को थोड़ा यहाँ से इसके साथ सेट कर देंगे। इसको यहाँ से सेट कर देंगे। क्लिक कर लेंगे यहाँ पे लेंगे सीरियल नंबर टैप प्रेस करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट नेम। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तक ऐसे टैप साथ प्रेस कर लेंगे ठीक है। जी 18 19 20 21 टैप प्रेस कर लेंगे। 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 यहाँ पे लिखेंगे करंट CEWRENT करंट प्रेजेंट करंट प्रेजेंट। यहाँ पे लिखेंगे करंट CEWRENT करंट एब्सेंट ठीक है। प्रीवियस एब्सेंट यहाँ पे टोटल
एबसेंट, ये हमारे पास स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर कंप्लीट हुआ। अब इसको हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से साइज कम कर लेंगे, साइज 9 कर लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से यह से हमने सेलेक्ट किया, लेआउट पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे सेंटर पे कर लेंगे। ठीक है, वहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे बोल्ड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम स्टाइल जो स्टाइल यहाँ पर आपको अच्छा लगे वो आप दे सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम टेप्स और रो भी, यहाँ पे हम सीरियल नंबर्स, यहाँ पर हम कलर देते हैं। ठीक है, डिज़ाइन में जाकर यहाँ पर शेडिंग में, यहाँ पर हमें येलो कलर्स, ठीक है, मोर कलर, यहाँ पे हम येलो कलर्स, ये सही लग रहा। ठीक है, या ये नहीं, यहाँ पे हम फुल कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, जो आपको चलेंगे। इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, शेडिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम येलो कलर, ये सही लग रहा। ठीक है, सेलेक्ट, यहाँ पर हम बॉर्डर भी दे सकते हैं, सेलेक्ट ऑल कर भी यहाँ पे, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लें। ठीक है, देखो हमारे बॉर्डर भी लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम स्टूडेंट सेलेक्ट कर, यहाँ से हम कलर या फिर बैकग्राउंड कलर्स कहते हैं, येलो, ये कलर सही है। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, इंशाल्लाह और भी मेरे वीडियो इंशाल्लाह।